मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती है मेरी वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सुबह का टाइम है तो झटपट से मैंने काम निपटा लिए हैं अपने, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय और नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं पोहा बना रही हूँ, तो क्योंकि बेटी की फरमाइश थी पोहा की, तो बस बनाते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। तो झट से बना लेती हूँ चाय नाश्ता, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नाश्ता वगैरह सब हमने कर लिया है। उसके बाद ये मैं आपको मेथी दिखा रही हूँ, और ये जो आजकल मेथी जो चल रही है, हरी वाली मेथी है, और उसको मैंने कट करके सुखा लिया है धूप में। दो तीन दिन अच्छे से सूख गई है ये, और इसको आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। और कसूरी मेथी का भी काम करती है ये, बट जब सीजन ख़त्म हो जाता है तो उसमें ये काफ़ी काम आती है। आलू में डालकर आप इसकी सब्जी बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, तो नाश्ता वगैरह सब करके मैं आ गई हूँ आपके सामने आपसे बातें करने के लिए। और बच्चों को मैंने नाश्ता खिला दिया है, और उन्हें पोहा काफ़ी पसंद है, तो दोनों ने मज़े से पोहा और चाय पी ली है। तो बेटा तो चाय नहीं पीता, बट उसने पोहा खा लिया है। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, और सॉरी स्टार्ट तो मैंने सुबह से ही कर दिया था, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो बातें क्या करनी है, बस यही कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी वीडियो नहीं भी बन पाती, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि घर गृहस्थी में काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिनसे थोड़ा सा समय निकाल के हमें वीडियो शूट करनी पड़ती है, और जब जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी बच्चे इधर से खींचते हैं फ़ोन, कभी उधर से खींचते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन छोटे यूट्यूबर सभी को सपोर्ट करें, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ आपको। और आज मैं बनाऊँगी मिक्स अचार। तो पहले बना लेती हूँ मैं खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं अचार की तैयारी करूँगी, तो आपके साथ मैं वही शेयर करूँगी। तो पहले मैं उसको काट लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं अचार। मैं अपनी मम्मी के तरीके से बनाती हूँ, और काफ़ी टेस्टी बनाती हैं वो, और मुझे उनका हाथ का जो अचार है वो काफ़ी टेस्टी लगता है, तो मैं भी बना लेती हूँ, उन्हीं से सीखा है मैंने। तो चलिए काट लेते हैं पहले अपना मिक्स वेज, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं नाश्ता वगैरह सब मेरा हो गया है, बच्चों ने भी कर लिया है, उसके बाद मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं सेम आलू की सब्जी बनाऊंगी, और सिंपल सा लंच बनाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं जो वेजिटेबल्स हैं उनको काट कर और थोड़ा धूप में सुखाने के लिए रखूँगी, जिससे कि उसका पानी सूख जाएगा, और फिर मैं उसका बनाऊँगी अचार। तो मुझे लगता है जो जेंट्स लोग कहते हैं कि लेडीज़ घर में बैठी अकेली पूरा दिन चारपाई तोड़ती हैं, तो उनका कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो औरतें जो मुझे देख रही हैं या मुझे सुन रही हैं, तो वो समझ सकती हैं कि लेडीज़ को कितना काम होता है घर में। रोटी सब्जी बनाने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि घर की साफ़ सफाई है, कपड़े बर्तन जो भी है सारा कुछ इधर उधर का देखती हैं, और उसके बाद फिर भी अगर कुछ टाइम होता है तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के और घर में साफ़ सफाई करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने काट ली है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये सब्जियाँ ली हैं, और इनमें है गाजर, मूली, अदरक, गोभी और हरी मिर्च। तो इनको मैंने छील कर धोकर अच्छे से साफ़ करके रख लिया है, और अब मैंने इनको ये कट कर लिया है। तो आप चाहे जैसे काट सकते हैं, मैंने यहाँ पर इनको लंबा ही काटा है, और इनको काटने के बाद मुझे थोड़ी देर इनको फैला देना है। आप चाहे तो धूप में भी फैला सकते हैं और छांव में भी, तो मैं थोड़ी देर धूप में फैला दूंगी, और इनका पानी जब सूख जाएगा तो उसके बाद यहाँ मैंने मसाला ऐड करने के लिए रखा है। तो यहाँ इसमें मैंने डाला है सौंफ और राई, और उसको मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा। तो ये मैंने हल्का हल्का भून लिया था स्लो
आग पर, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो वैसे अचार में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है नमक, तो मैंने यहाँ पर ऐसे नमक डाल दिया है और तेल को गर्म करके डाला है, क्योंकि ये अचार जल्दी बन जाता है, यानी कि 2-3 दिन में खाने योग्य हो जाता है। इसीलिए अचार में अगर तेल गर्म करके डालो तो उसमें जो तीखापन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो सरसों का तेल है उसमें तीखापन होता है, तो गर्म करने से वो चला जाता है। अब इस मसाले में अच्छे से इसको मिला देंगे। और मैंने हाँ एक चीज़ और इसमें डाली है, वो है वाइट विनेगर। तो एक ढक्कन 2 चम्मच यानी कि आप डाल सकते हैं वाइट विनेगर, इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता। और इसे अब मिलाने के बाद आप कंटेनर में भर कर रख दीजिए। तो ये हमारा अचार हो गया है रेडी, देखिए। तो 2-3 दिन बाद ये खाने लायक। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अचार बना के रेडी कर दिया है और काफ़ी टेस्टी लगता है अचार, 2-3 दिन में खाने लायक हो जाता है। और ये देखिए, ये इतना अचार ये बन गया है और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। आप जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज की मेरी यही छोटी सी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे बनता है अचार। और